सो गाइस, अगर आप भी YouTube के लिए बेस्ट बजट मैक परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपका मैं सारा डाउट इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। मीन्स आपको कौन सा मैक परचेज करना चाहिए जो आपके साउंड क्वालिटी को काफी इंप्रूव करने वाला है। सो गाइस, अगर आप बिगिनर यूट्यूबर हो तो आपको कम बजट में कौन सा मैक अफोर्डेबल होने वाला है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बोया M1 की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी, साथ में जो इसकी लेंथ है और भी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, इस वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस, मैं सबसे पहले इसे ओपन कर लेता हूँ। गाइस, मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया। इसके बाद देखेंगे लास्ट में कि इसकी प्राइस क्या है। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें तो आपको बोया M1 का यहाँ पे कवर देखने को मिल जाएगा। गाइस, यहाँ पे आपको डुप्लीकेट नहीं देखने को मिलेगा। गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं सबसे पहले इसे ओपन कर लेता हूँ। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक पाउच देखने को मिल जाता है जो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे लेदर का है ये पाउच। इसके अलावा मैं इसे निकालता हूँ, तो यहाँ पे देखे तो निकालने के बाद आपको एक लंबी सी वायर देखने को मिल जाएगा, लगभग जो 20 से 25 मीटर के आसपास इसकी वायर की लेंथ होती है। तो यहाँ पर आपको इसको पहले हम रख देते हैं यहाँ पर, इसके अंदर देख लेते हैं इसके अलावा क्या क्या है। तो मैं इसे, तो गाइस यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक सेल, यहाँ पे सेल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिलिका जेल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। सो गाइस, यहाँ पे आपको एक मिल जाता है, आपको जैक एडाप्टर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखें तो विंड फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे विंड फॉर्म है। और इसके अलावा देखिए तो आपको 1.4 इंच का जैक एडाप्टर देखने को मिल जाएगा, और एक आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेट पिन है ये, आप अपने क्लॉथ्स में इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक एक करके आपको सेट करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे इसे यूज़ करना है। सो गाइस, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस सेल को बाहर निकाल लेता हूँ। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड कर लेना अपने सेल को। तो मैं सिंपल सा इसे ओपन कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको ओपन कर लेना। अगर आप फ़ोन से शूट करते हो वीडियो और फ़ोन में लगाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप विदाउट सेल का भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सेल को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर सेल को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद क्या करना है, इसे आपको फिर से क्लोज कर देना है। तो मैं सिंपल सा इसे क्लोज कर देता हूँ। इस तरीके से आपको क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1.4 इंच का जैक एडाप्टर। तो गाइस, इसके अलावा देखिए तो आपको शर्ट क्लिप मिल जाएगा। तो शर्ट क्लिप को आपको इस तरीके से ऐड कर देना है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करना होगा अंदर की ओर। तो यहाँ पे प्रेस कर दोगे तो इस तरीके का आपको फिट हो जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखें तो विंड फॉर्म को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो सिंपल सा आपको विंड फॉर्म को यहाँ पे, गाइस इस मैक की सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो मैक है वो ऑप्टी डायरेक्शन में काम करती है, जो चारों तरफ की साउंड को अच्छी तरीके से लेती है। और इसके अलावा देखें तो इसमें नॉइज़ जो होता है बहुत कम आपको देखने को मिलता है, इसलिए ये एक यूट्यूबर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी कंफर्टेबल माइक देखने को लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने ऐड कर दिया है, और इसकी मैं साउंड क्वालिटी आपको टेस्ट करवा के दिखाता हूँ कि साउंड क्वालिटी इसको किस तरह की है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसे मोबाइल में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, फाइनली मैंने बोया M1 माइक को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद इसकी साउंड क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो गाइस, सबसे खास बात यह है इस माइक की कि ओवर नॉइज को क्या करता है, रिमूव कर लेता है। तो गाइस, अगर आप भी इस माइक को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डायरेक्टली आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं और उसकी प्राइस को चेक कर सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, साथ में चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।